लेकिन फिल्म वालों ने किसे गाला था? कौन सा? कि तू सोना बरस की तू सोना बरस की मैं हूँ सतेरा बरस मानो मेरा कहना मानो मेरा कहना एक तो बरस जरा पूरे रहना एक तो बरस जरा पूरे दोनों कैलाश पर है। दक्ष ने यज्ञ रचाया, आकाश मार्ग से उनकी सभी बहनें जा रही हैं। सती ने पूछा, अरे बहनों तुम कहाँ जा रही हो? बोले तुम्हें मालूम नहीं पिता ने यज्ञ रचाया है, आपको नहीं बुलाया? बोले मैं मालूम नहीं था, लेकिन हम जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा, देखो तुम्हें निमंत्रण नहीं है, फिर बुलाए किसी के नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा, मेरे पिता का घर है, इसमें हम चले जाएंगे तो क्या होगा? तो भगवान शंकर कहने लगे, देखिए भगवान शंकर कह रहे हैं और उनके गण भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो कैसे मिला रहे हैं? कैसे? भगवान शंकर कहने गए, अरे सती इज्जत से कोई ओ, 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 भगवान शंकर कहने लगे, अरे सती बोले इज्जत से कोई और किसी को बुलाए तो क्या हो? हेलो जय हेलो, क्या हो सिप्रा जी बताएंगे? एक मिनट, हेलो जय हेलो। भगवान शंकर बोले बोले इज्जत से कोई किसी को बुलाए तो क्या हो? सम्मान हो। इज्जत से कोई किसी को बुलाए तो बोले सम्मान हो। भगवान शंकर ने फिर कहा, क्या कहा? कोई बिन बुलाए यदि चला आए तो क्या हो? भगवान शंकर बोले कि चाहे वह मान हो चाहे सम्मान हो पर उसके घर मत जाओ कभी और जिसको बड़ा अभिमान हो। फिल्म वालों ने कह दिया कि कुछ हो गया तो मत कहना, और इधर भगवान शंकर कहने लगे, अरे उसके घर मत जाओ कभी और जिसको हो क्यों तू भोली
या यूं कह ले ऐसे नातेदारों से दूर रहना, और क्या खुश रहो। लेकिन 51 रुपए का पुरस्कार और ये फूल माला सिप्रा आजाद जी की तरफ से प्रदत्त हुआ है, और किसी कलाकार के द्वारा अगर कलाकार को पुरस्कार मिल जाता है तो बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, ये बहुत बहुत आभारी है। और हमारे आनंद भाई की भी च्वाइस है कि हमारे जो सिप्रा आजाद आई हुई है। हेलो कहना है नेकी करके जो दरिया में डाल देता है हमारी माता मैंने और भाई बंधु शिवलिंग ध्यान दें, नेकी करके जो दरिया में डाल देता है ये जमाना उसी पर कीचड़ उछाल देता है, लेकिन वो अपनी बच्चों से इज्जत करा ही नहीं सकता जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। एक बहुत बढ़िया गीत निकाला आपने सुनेगा कि तू 16 बरस की मैं हूँ 17 बरस बोल रहे हो पूरे 40 के हैं लेकिन कोई बात नहीं, तू 16 बरस की मैं हूँ 17 बरस Yeah.
दूर रहना बाबत को समझिएगा। हाँ बिल्कुल इतने दो बरस को जरा दूर रहना इज्जत से कोई किसी को बुलाए तो क्या हो, क्या हो? सम्मान हो, सम्मान हो। पहुंची है तुम्हें और देखा क्या शिव शंकर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यज्ञ में शिव को ना देखा तो मुनि तदी चुमन डोले साफ साफ वो भरी सभा में राजा तक्ष से बोले क्या राजन आपने शिव को निमंत्रण नहीं दिया बहुत गलत कर दिया है। कहने लगे सुनेगा जवाब शिव को मनाए जो शिव को बुलाए तो क्या हो काम आसान हो। अगर शिव को जो बुलाते हैं शिव को जो मनाते हैं जैसे कि हमारे सोनी जी मना रहे हैं जो शिव को बुलाते हैं शिव को मनाते हैं उनके काम आसान हो जाते हैं। और यदि शिव को ना बुलाया तो बिटिया सुप्रा आजा जी जवाब को सुने शिव को मनाए जो शिव को बुलाए तो क्या हो काम आसान हो। तुमने भुलाया तो क्या हो काम खराब हो। सब सिस्टम बिगड़ गया है आपका समझ गए हो जी। और कहा राजा तक्ष महान हो। बोले राजा मैंने सुना था आप बड़े महान हो लेकिन देवादि देव महादेव तुम्हारे दामाद उनको निमंत्रण दे दिया ऐसी क्या बात है। राजा दक्ष महान हो बात न धरती ध्यान हो करते नादानी। आप ज्ञानवान हो कितनी अज्ञानता का पाठ पढ़ रहे हो सुने बन के तुम ज्ञानी करते नादानी मानो मेरा कहना रिश्तेदारों से ना दूर रहना। आप कह रहे हो ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहना यहाँ जवाब कह रहा है क्या ऐसे रिश्तेदारों से ना दूर रहना दिया था बहुत बहुत धन्यवाद संविधानदाताओं को।
निराला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। 51 पत्र मुद्राएं, ये माला और साथ में माल, माला के साथ में माल। हमारी बहन सिप्रा आजाद महानगर कानपुर से पधारी हैं, आपकी ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं और माला है। निराला ये कामना करता है माता महामाई से, भैया बिंदुनी राज चौगनी आपको तरक्की दे, कभी पीछे मुड़ के ना देखे। बस यही कामना चाहता हूँ माता महामाई से। और लो पैसा, और ये 51 पत्र मुद्राएं, 51 पत्र मुद्राएं भाई दीपू जहरिया जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपने ग्राम सिमरिया के बहुत अच्छे नालवादक है दीपू जहरीला जी, मुनेश शेरसा नालवादक शेरसा से पधारे हैं जरा झांसी से। आप, आपके लिए प्रदान हुआ है, लो बेटा ढोलक की गोलक में रखना बेटा। हाँ ये बात, आइडेंटिटी कार्ड लेके चलते हैं दीपू भाई। हाँ देखिए हमारे बाके भैया ने छींटा कसी थोड़ी सी कर दी है, सुने। हाँ के आए हैं, सुने पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। इतना तो याद है मुझे, पैसा पहुंच हुए समाप्त कर दिया। बाद में भोलेनाथ आए तो भोलेनाथ ने कहा कि हमारे दोनों भाइयों को पुनः प्रकट कीजिए, इनको पुनः जीवित कीजिए, तो मैं आपसे विवाह करूंगा और उसमें शर्त रहेगी आपको रूप परिवर्तन करना होगा। लेकिन लेकिन बाकी भैया एक कथा पढ़ने को मिलती है कि वहीं पे जो ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े होकर बगल में, वहीं पे माता महामाया ने दोनों देवियों को भी वहीं
दोनों देवियों को ब्रह्मा विष्णु के साथ और महेश के साथ माता महामाया रूप परिवर्तन करके आई और दोनों देवियां भी वही। तो ये बाद में था और अपने जो सिस्टम आपने दिखाया वो सिस्टम सत्य है आपका, आपके तरीके से सत्य है कि भाई की पत्नी मात हुई। चलिए सिस्टम हम भी दिखा देते हैं आपको, सुनिए। रूप ग्राह का बनाया, एक बच्चे का बनाया, बच्चा मुख में फसाया, लीला हो रही। एक बार शंकर भगवान ने अभी आपने आपको जो कथा सुनाई वही से मैंने जवाब निकाला है। शंकर भगवान ने ग्राह का रूप बनाया, बच्चे का रूप बनाया और जब बच्चे को मुख में फंसाया तो माता भवानी ने जाके वो बालक को बचाया, लेकिन वो शिव थे शंकर भगवान बालक के रूप में। तो माता ने वही स्तन पान कराया, जब स्तन पान कराया तो कौन हो गई, सुनिएगा जवाब। रूप ग्राह का बनाया, एक बच्चे का बनाया, बालक मुख में फंसाया, लीला हो रही। और जब बच्चा चिल्लाया उनके, जब बालक मगर के मुख में है फंसाया रोने लगा तो माता उमा ध्यान से जागी और उस बालक को बचाया और उसको स्तन पान कराया। तो सुनिए, बच्चा चिल्लाया, उमा ने दूध पिलाया, उसे चुपके सुलाया, लीला हो। बालक को स्तन पान करा के उसका रोना धोना बंद किया। तो अब शिवजी सोच रहे हैं, शिवजी सोच रहे हैं, शिवजी ये सोच रहे हैं, शिवजी ये सोच रहे हैं, शिवजी ये सोच रहे, ये घटना अकस्मात हुई रहा है, पति तो मैं पति हूँ और बालक के रूप में देखो माँ के गोदी में आ गया, ये अकस्मात घटना हुई। पति तो पति ही रहा, पति की पत्नी मात हुई, भगवान की पत्नी सुनेगा। जब जिस समय लक्ष्मण दूल्हा बन के आए, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सहन केरी लड़काई, एक साथ में भोजन सहन, एक साथ में शिक्षा ग्रहण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, और एक ही साथ में विवाह। क्या बात है, सुनेगा। जब विवाह के लिए पहुंचे अब लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं, समझो बेटा मुनीष, सुने ना गुस्से से चाया, अपनी बेटी बताया, राजा जनक को कहाया, सभी जानते। क्या बात है, और सभी सभी जानते हैं, और ये सुने ना शेष नाग की पुत्री है, सुने। क्या बात है, और प्राण पूरा पाया, क्या है था जो रचाया, दुल्हन
दुल्हन चारों को बनाया सभी जानते। ये और सही अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं क्या? तो लक्ष्मण जी सोच रहे, लक्ष्मण जी सोच रहे ये कैसी तरह मात हुई, ये कैसी तरह मात हुई, पाप दमाद बन। क्या बात है, क्या बात है, पाप दमाद बन है, और बेटी सासो मात हुई, बाप दमाद बना और बेटी सासो मात भवानी बैठी थी और देखा कि राम लक्ष्मण सीता को खोजते हुए जंगलों में घूम रहे हैं, तो प्रणाम किया भोलेनाथ ने, तो उमा कह रही आप क्यों प्रणाम कर रहे हो, और ये हमारे आराध हैं, आराध हैं, ये हमारे हरि हैं। तो माता भवानी से देखा नहीं गया, बोले मैं जाती हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके आती हूँ ये हरी है या नहीं। तो जैसे माता गई सीता का रूप बनाया, माता भवानी ने भोलेनाथ की पुत्री ने सीता का रूप बनाया और राम के समीप पहुंच गई, तो राम जी ने प्रणाम किया, बोले माता आप कहाँ, आप तो और भोलेनाथ कहाँ है, पहचान लिया। तो माता भवानी विस्मय में पड़ गई और पहुंच गई भोलेनाथ के पास, तो भोलेनाथ ने मना कर दिया, भोलेनाथ ने कह दिया अब आपने मेरी माँ का रूप बनाया है तो मैं ये देह स्वीकार नहीं है, आपने मेरी माँ का रूप बना लिया है, मैं उनको माँ मानता हूँ, सीता का रूप आपने बनाया तो अब मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। जी रूप सिया का बनाया परीक्षा लेके आई हो? बोले ना प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जी बोले कछुना परीक्षा ली न गुसाई, करिए प्रणाम तुम्हारे नाही। भोलेनाथ ने मना कर दिया कि सती यह तन सती भेंट मुझ नाही। क्या बात है, क्या बात है, ये है मना मना कर दिया भोलेनाथ ने। तो सुनेगा खुशिया का बनाया भेद से छुपाया राम जी तो दिखाया ग्रंथ कह रहे और ये है राम ग्रंथ कह रहे तो ये राम है, ये राम जाने पाया सती को सर है झुकाया संग शुभो न पाया ग्रंथ कह रहे ये राम छाने भाया सती को सर झुकाया संग शुभो न पाया ग्रंथ कह रहे जब भोलेनाथ
बेटा आपके साथ में नहीं पाया तो जी। राम जी ने मना कर लिया कि प्रभु हे भोलेनाथ आपकी लीला आप ही जानो प्रभु, बस क्योंकि आप इनके साथ में नहीं है लेकिन हम अपनी पहचान से भटक नहीं सकते हैं। और उधर जब सती जी पहुंची तो भोलेनाथ ने मना कर दिया, यह तन सती भेंट मोहनाई। तो शिव जी ने जान दिया अब मेरी मात हुई पत्नी तो पत्नी चलिए जवाब रहे।